हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे, यूक्रेन पैलेस्टीन ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है और सिलेबस जारी कर दिया है ड्राफ्ट में इनका, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है अभी। तो देर इसलिए हो गई क्योंकि कई काम करने पड़ते हैं ना। तो बात कर लेते हैं, मैं आज आपके लिए सिलेबस तो लाने का मोटिव मेरा था ही, और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था, मैं आपके लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का तैयार मैंने कर दिया था, बट सिलेबस आ गया था। मैंने कहा डिस्कशन सिलेबस का कर देता हूँ, और लाइट नहीं होने के कारण देखिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, एक मिनट आप। तो ये देखिए, ये हमारे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट था जिसमें फाउंडेशन मैंने तैयार करा था, आप देख सकते हैं पूरा, और इससे बाहर नहीं आएगा 100%। जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना पढ़ लेना, ठीक है। बुक से आप भी पढ़ सकते हैं, मगर मैं इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा, लिखा काम है इसमें, एक्सप्लेन में ज़्यादा करूँगा, ठीक है। जैसे तो हम बात इसकी बात हम कल से वीडियो बनाएंगे, परसों से बनाएंगे इसके लिए, देखते हैं, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं, पहले सिलेबस हम देख लेते हैं, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। और मैंने एक वीडियो बना रखी है कैसे हम तैयारी करें, अब उसी में देखेंगे। मैंने जो वीडियो बना रखी कैसे तैयारी करें आप देख सकते हैं उसे, और वो मैच करेगा इससे, 100% मैच करेगा। अभी मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, और उसी तरह से आप तैयारी करिए। वीडियो देख लेते हैं मेरी ड्राफ्टमेंट की, कैसे तैयारी करके मैंने थंबनेल बनाया होगा, है ना। तो आइए देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, सिलेबस फॉर द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट जो भी देखा, ठीक है। 26/7 कब है, 26/7/2021 का ही हमारे पास यहाँ पर से इनने डाल रखा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास सिलेबस की, तो ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी से आपके यहाँ क्वेश्चन आएगा। ये डिप्लोमा वाले सोचेंगे कहाँ से आ गया, ये हमारे पास सिलेबस जो है आईटीआई में पूछा जाता है सिलेबस, ठीक है। ये हमारे पास, तो आपको ये रीड करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमने भी नहीं पढ़ा है, देखिए ड्राफ्टमैन के आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए लेवल का रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम इंजीनियर ड्राॅइंग की, हम इसमें बेसिकली पूरे डिटेल में बात करेंगे किस क्वेश्चन से कहाँ से बनेगा, ठीक है। इसकी मत करना बिल्कुल भी वीडियो, और मैं बीच में आपको कब हमारे पास सीरीज स्टार्ट हो जाएगी मैं बताऊंगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। देखिए कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, तो सॉरी नहीं बना पा रहा हूँ मैं, ठीक है। आज लाइट नहीं थी, मैंने आपको दिखा दिया फाउंडेशन का हम स्टार्ट करेंगे, पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन भी पूछी जाएगी। तो सिलेबस देख लेते हैं हम, तो इंजीनियर ड्राॅइंग में, ठीक है, क्या क्या रहेगा इसमें। तो इसमें आपको कोडर प्रोफेशनल आपको ज़्यादा याद करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। कौन सा है, IS 962-1989, ठीक है। इसके लिए मैं एक MCQ आपके लिए कल दे दूँगा, ठीक है। या तो क्या करना है, PDF देनी है, या फिर आपके पास, या उसको सॉल्व कराना है मेरे को बता देना, ठीक है। इसके ही हम कोड के ही हम MCQ करेंगे। चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं, इंजीनियर ड्राॅइंग से शुरू कर लेते हैं, फाउंडेशन वाले जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट है या तो बाद में कर लेंगे, इसको 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 5 दिन भी नहीं, इसको 3-4 दिन में कंप्लीट कर देंगे MCQ को, ठीक है, बहुत कम है। अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है, आप कमेंट में डाल देना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, इंजीनियर ड्राइंग के MCQ करना है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में थ्योरी कराऊंगा, ठीक है, पहले थ्योरी होगी उसके बाद कुछ MCQ रहेंगे इसके, आप कमेंट में डाल देना। इसके MCQ रहेंगे खाली हमारे पास इंजीनियर ड्राइंग के फ़िलहाल तो, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इंजीनियर ड्राइंग की, तो आपने IAS कोड पढ़ लें इसमें। सबसे पहले बिल्डिंग ड्राइंग लाइंस, ठीक है, डायमेंशन, प्लेन, फिर नॉलेज और डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल, RF, 3 व्यू, ऑर्थोग्राफिक, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्लेन, सॉलिड, सेक्शन सॉलिड, आइसोमेट्रिक, ठीक है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड, फिगर, ऑब्लिक, प्रेजेंटेशन व्यू और स्टेप, जो भी हमने, देखिए डिप्लोमा में आपने किया, डिप्लोमा में फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम में, ठीक है, जो भी आपने पढ़ी होगी ED की उसी को आप पढ़िए, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा न ध्यान भटकाइए, इसी के टॉपिक वाइज पढ़ना, ठीक है, सिलेबस वाइज आप पढ़ते रहना इसको, जितना दे रखा उतना ही पढ़ना, बाकी मत पढ़ना, ठीक है, कि एक्स्ट्रा पढ़ लूँ, नहीं, जितना सिलेबस में दे रखा उतना ही आपने पढ़ना है, ठीक है, तभी सिलेबस दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं, कुछ भी ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल में क्या आपने, ठीक है, बिल्डिंग, और हम बताएंगे कि कितना हमारे पास वेटेज रहेगा किस सब्जेक्ट से, सब पहले किसको पढ़ना है ये भी आप देखना, ठीक है। स्टोन रहेगा, ब्रिक रहेगा, लाइम होगा, पोजोलोनिक, सीमेंट, सैंड, क्ले, मोर्टार, टिम्बर, ठीक है। टिम्बर के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कुछ
अल्टरनेटिव आ जाते हैं, टार एंड बिटुमिन से आएंगे, ठीक है, पेंट, वॉर्निश, मेटल, प्लास्टिक। तो कितना ज़्यादा हमारे पास अभी बिल्डिंग ही चल रहा है, बिल्डिंग ये मटेरियल है। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात आ जाएगी, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पढ़ना है हमने, सीक्वेंस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की बिल्डिंग रहती है उसमें कौन से, नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग, स्टोन मैसनरी, रबल मैसनरी से आया था क्वेश्चन, ठीक है, एसलर मैसनरी, तो प्रिंसिपल कौन से, कंपोजिट मैसनरी, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल, कंपोजिट मैसनरी किसे कहते हैं वो बतानी होगी, जैसे लाइम एंड सीमेंट मोर्टार को कंपोजिट मैसनरी बोलते हैं ना, तो ऐसे ही आपने पढ़ना है, इसको देखेंगे अभी। ब्रिक मैसनरी, ठीक है, ब्रिक मैसनरी देख लेनी है आपने। ब्रिक मैसनरी में क्या आता है, बॉन्ड आएंगे हमारे पास, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, ठीक है, रैंकिंग बॉन्ड, रैंकिंग बॉन्ड, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हमारे पास। रैंकिंग बॉन्ड कुछ इंक्लाइन डाला जाता है, तो देखेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान ना होइए। फिर फाउंडेशन में आपने पढ़ना ही है, फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ना है, पर्पस ऑफ फाउंडेशन, कॉज ऑफ फेलियर फाउंडेशन, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, डेट एंड लाइव लोड एग्जामिनेशन, ग्राउंड टाइप ऑफ फाउंडेशन ड्राइंग, फाउंडेशन फुटिंग, सेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, ग्राउंड एक्सवेशन, सिंपल मशीन फाउंडेशन, टाइप ऑफ स्कोरिंग, स्क्वायर फोल्डिंग इन डिटेल, टाइप ऑफ अंडर पाइपिंग, ठीक है। फिर आपने बात देख लेते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग, DPC, सोर्सेज, एफेक्ट डैम्पनेस, टैम प्रूफिंग, एंटी ट्रीटमेंट, वेदरिंग कोड्स, फायर प्रूफिंग, आर्चेस, लिंटल, सज्जास। अभी मैंने आर्च और लिंटल में MCQ डाला था, उसे भी देख लीजिए, ठीक है, वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर के उठाए थे मैंने, आप देख सकते हैं कैसे बनते हैं। छज्जा, डोर, वेंटिलेशन, फ्लोर, फ्लोरिंग, स्टेयर, बेसिक कॉन्सेप्ट, रूफ, ट्रस, किंग पोस्ट, ठीक है, इतना आपने इनको देख लेना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट। और बिल्डिंग में फिर आपके पास बिल्डिंग की बात आ जाती है, देखिए आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, फिर बिल्डिंग दे रही, फिर बिल्डिंग प्लानिंग दे रही, कितना हमारे पास वेटेज रह रहा है इसका। पाँचवें में आप देख सकते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट फंक्शन, ओरिएंटेशन, बिल्डिंग बाय लॉस ऑफ IS, ठीक है, ये हमें दे रखा है, IIT लेवल का है वैसे। इकोनॉमी और लिफ्टिंग, वेंटिलेशन, ड्रेनेज एंड सिस्टम, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, डिज़ाइनिंग और रेसिडेंशियल बिल्डिंग, सब इसी में आ जाएगा, जितना हम पढ़ेंगे अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा यही पार्ट, ठीक है। अभी हम जो पढ़ेंगे थ्योरी और MCQ प्लस MCQ, ठीक है, कल से स्टार्ट करते हैं थ्योरी और MCQ के BMC, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लेना, अगर बेस्ट तैयारी करनी है तो उससे बाहर नहीं जाएगा, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर उठा के भी आप देख सकते हैं, चेक कर लेना, ठीक है। बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कुछ भी करें, अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना 1K, ठीक है, तो हम लाइव पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे लाइव पढ़ेंगे तो रेगुलर बच्चा जुड़े रहेगा, और लाइव पढ़ने का मज़ा अलग कुछ और है, ऑफलाइन में उतना मज़ा नहीं रहता है, ठीक है, कभी भी वीडियो देख सकते हैं आप, कंटिन्यूटी नहीं बना सकते जब तक लाइव नहीं देखोगे, ठीक है। देखिए मेरे से ही पढ़ो, ये नहीं कह रहा हूँ, कहीं भी पढ़ो आप लाइव पढ़ें, ठीक है, अगर मेरे से पढ़ते हैं तो आपको 1K सब्सक्राइबर लाने पड़ेंगे, कुछ भी करके कहीं से भी लाइए, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, व्हाट्सअप करें, हर हर दो हर किसी का 10 10 10 दोस्त तो होंगे ही ना, 10 फ्रेंड, ठीक है, उनको शेयर करें, उनको बताइए। देखिए ईगो ना दिखाइए इस टाइम पे, अगर आपने सिलेक्शन लेना है तो सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो को, शेयर करना, ठीक है, फिर बाद नहीं तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना है तो सब्सक्राइब, ठीक है। फिर आप बात कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे से पब्लिक हेल्थ इंजीनियर से, यानी कि एनवायरनमेंट इंजीनियर जो भी आप पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन रहेंगे, वो भी आपने कौन सा पढ़ना है ये बता देता हूँ मैं। एक हमने कौन सा पढ़ना है, वेस्ट वाटर वाला पार्ट पढ़ना है, वेस्ट वाटर सप्लाई वाला पार्ट पढ़ना है हमने, ठीक है, वेस्ट वाटर सप्लाई वाला आपने पार्ट पढ़ लेना है, इसमें ज़्यादा फोकस उसी में रहना है। देखिए हमारे पास सिलेबस में भी दिया होगा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के कुछ टर्म्स, सैनिटेशन देखिए, फिर हाउस ड्रेनेज, पंपिंग, फिटिंग, टाइप ऑफ सीवर किस टाइप का पंपिंग, मैन होल, सेप्टिक, वाटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेस्ट वाटर इंजीनियर से पूछा जा रहा है, किसे, वेस्ट वाटर इंजीनियर में आपने ध्यान लगाना है, ठीक है। बात कर लेते हैं आप सर्वे की, और लास्ट में बताऊँगा किस सब्जेक्ट से कितना आएगा ये भी आप सुनना, ठीक है, और कौन से हमारे पास
टॉपिक नहीं लिए गए हैं, सब्जेक्ट नहीं लिए गए हैं हमारे पास, ये भी बताएंगे। सर्वे, सर्वे की बात कर रहे हैं। देखिए क्या पढ़ना है, चैन सर्वे, मेन चैनिंग, कंपास, प्लेन टेबल, लेवलिंग, बहुत बड़ा है सर्वे भी हमारे पास, इसमें सभी पूछ दिया गया है ऐसा लग रहा है। कंटूरिंग, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन तक पूछा गया है, आप देख सकते हैं टोटल स्टेशन में क्या क्या है इसमें, है ना। टोटल स्टेशन में हम देख सकते हैं, जबकि हम जनरली ये बीटेक में पढ़ते हैं ना, EDM, रेक्टेंगल, पोलर कोऑर्डिनेट, GPS, GPS में कुछ ही नहीं आएगा, सैटेलाइट पूछ लेगा। अभी कितनी है हमारे पास सैटेलाइट, 24 है, ठीक है, कुछ नहीं पूछता है ज़्यादा, सर्वे बहुत ईजी है। RCC, फिर RCC की बात कर लें, उससे पहले हम एक और यहाँ पे सब्जेक्ट डाला गया है, कौन सा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग डाली गई है, ठीक है, बहुत छोटा पार्ट है, आप पढ़ सकते हैं इसको, यूट्यूब में कई वीडियो बनाई हुई कितनों ने, ठीक है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, कहाँ से, 1 मार्क्स का रहता है, 1 मार्क्स का, ठीक है। RCC की बात कर लें, RCC भी अच्छा खासा वेटेज है, 3 से 4 मार्क्स का RCC रहता है, इसमें कुछ मत पढ़ना, सिर्फ RCC में IAS कोड 456-2000 कर लेना, ठीक है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ IAS कोड पढ़ना है। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ RCC में, अब आप RCC में क्या होता है, हमारे पास कंक्रीट भी दे रखी है, कंक्रीट स्ट्रक्चर दोनों मिक्स करके RCC का ही पार्ट है एक तरह से, RCC प्लस कंक्रीट स्ट्रक्चर दे रखा, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, स्लैम स्लम टेस्ट की पढ़ लेना, वैल्यू कॉलम के लिए, बीम के लिए, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, ये हमारे पास उसमें आ जाएगा। देखिए जितना हमारे पास सिलेबस दे रखा ना, उतना आपने पढ़ना है, उससे ज़्यादा और कम नहीं पढ़ना है, ठीक है, डेलीकेटेड तरीके से पढ़ाई करें, सिलेक्शन हो जाएगा। अब स्टील, स्टील भी, स्टील यहाँ पे 1 मार्क्स की रहती है, ज़्यादा मार्क्स की नहीं रहेगी। पिछले बार क्या पूछा था, अनविन फार्मूला, बस यहाँ पे क्या होता है, फार्मूले पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा था। मेरा जिसने भी पेपर सॉल्व नहीं देखा है वो देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, 18-18 मिनट के, ज़्यादा नहीं है, फास्ट देख लीजिए, ठीक है। रोड्स, रोड्स यानी कि हाईवे, हाईवे कैसे डेवलप हुआ है, अलाइनमेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रोड कंपोनेंट, रोड कर्व, कर्व पढ़ लीजिए, ड्रेनेज पढ़ लीजिए उसमें, देखिए बिटुमिन के टेस्ट वेस्ट नहीं दिए तो मत पढ़िए उन्हें, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिज, अब यहाँ पे दो आपके पास, दो आपने नहीं पढ़े होंगे ये तो मुझे पता है, ब्रिज एंड कलवर्ट और रेलवे आपने नहीं पढ़े होंगे, जो आपको पढ़ने होंगे, यहाँ से भी आपके 1 मार्क्स का रहेगा ब्रिज एंड कलवर्ट से, और यहाँ से आपके 3 मार्क्स के रहेंगे रेलवे से, ठीक है, देख रहे हो ना आप, तो टोटल मिला के 4 से 5 मार्क्स के दोनों रहेंगे, ठीक है, 4 से 5 मार्क्स का तक आएगा। फिर बात कर लेते हैं इरिगेशन इंजीनियर के टर्म यूज्ड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, आपने देखे होंगे सभी, यहाँ पे लिया जाएगा ज़्यादातर, आप फोकस इसमें करिए, एक्यूडक्ट, सुपर पासेस, साइफन, लेवल क्रॉसिंग, इनलेट आउटलेट, इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत, क्यों करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जामिनर भी पता है कि बच्चा स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ लेता है और लास्ट के चैप्टर छोड़ देता है, इसलिए आपको मेहनत करने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पर से 100% मैं कह रहा हूँ कि गारंटी दे रहा हूँ, क्वेश्चन एक नंबर का पक्का फंसेगा एक्यूडक्ट सुपर पासेस से, क्योंकि SSC JEE भी लेता है, सब लेते हैं, UK SSC देख सकते हैं आप, पेयजल निगम में भी आया था एक क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। फिर एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में सभी कुछ है, छोटा है तो 2 दिन में हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें डायमेंशन पूछ लेता है, ठीक है। फिर आपके लिए ये भी हमारे पास, ये ITI वालों के लिए स्टूडेंट पे होता है, कारपेंट्री जॉइंट, ठीक है, छोटा है, फास्टनिंग टाइप ऑफ फीचर क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब मैं रेलवे की कुछ बात कर लेता हूँ आपसे, रेलवे में आपने कैसे पढ़ना है, पहले रेलवे देख लेते हैं, रेलवे भूल गए थे, रेलवे में आपने परमानेंट वे क्या होता है, टाइप ऑफ रेल, रेल गेज, रेल कुछ, इसमें क्या करना है आपने, वैल्यू याद करनी है, वैल्यू कौन सी वैल्यू करनी है, रेन गेज यानी कि रेल गेज यानी कि बोल सकते हैं ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, कांट एक्सेस, कांट डेफिशेंसी, ठीक है, तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं, और क्रीप, कोनिंग ऑफ व्हील, ब्लास्ट के फंक्शन, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ फास्टनिंग किसे कहते हैं, जो कड़ियाँ होती है वही फास्टनिंग होती है, देखेंगे इसको भी हम,
आने वाले समय में अगर रेलवे अच्छी बनी तो। ठीक है, मेरे को मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं कई वीडियो बनाऊंगा अब आपके लिए। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर कैट की। कैट की भी मैंने वीडियो डाली थी, कई बच्चे कहते नहीं आएगा कैट, ऑटो कैट। ठीक है, ऑटो कैट में क्या करना, आपने कमांड याद कर लेनी। पिछले बार आया था ट्रिम कमांड करके, आप देख सकते हैं। ठीक है, पेपर सॉल्व करिए तभी तो पता चलेगा कैसे होगा। ठीक है, अभी आज तबीयत भी सही नहीं है मेरी, इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो माफ़ करिए मुझे, तो देख लेंगे हम। तो कारपेंट्री भी है यहाँ पे, तो कुल मिला के 18 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं इसमें। अब मैं कुछ आपसे बात कर लेता हूँ, कैसे हमारे पास रहेगा, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करें। मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में मैंने बता रखा। अभी तो यहाँ कुछ नहीं, आप इसमें BMC प्लस, इसमें कंस्ट्रक्शन भी है, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और CT, इसमें फोकस सर्वे, दो सब्जेक्ट ही आपको। आई थिंक 56 मार्क्स करेंगे दो सब्जेक्ट। ठीक है, 56 मार्क्स, और टोटल हमारे पास 100 मार्क्स का है। आप देख सकते हैं, दो सब्जेक्ट से 56 मार्क्स का। आपको इन दो सब्जेक्टों बहुत कमांड बनानी होगी। ठीक है, और मेरे लेक्चर देख लीजिए। अगर यहाँ पे पास हमारे पास यहाँ से 36 मार्क्स भी आते ना, 30 मार्क्स का, अगर मेरे लेक्चर भी देख दिया आपने, तो 30 मार्क्स ले आओगे यहाँ पे। मेरे खाली मेरे लेक्चर आपने पहले ही पढ़ा होगा, तो 6 मार्क्स तो आप ले ही आ सकते हैं इजीली। BMC में आप तो पता है SSC देते होंगे, SSC में कितना अच्छा वेटेज रहता है, BMC में यहाँ भी अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, और हाँ, UKPSC के JEE के फॉर्म आपके पास इसी मंथ में दिखने फॉर्म लग जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी बेहतर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, अगर नहीं कराया अभी तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम हिंदी भी स्टार्ट कर देंगे, वो भी फ्री फ्री हिंदी स्टार्ट कर देंगे फ्री यूट्यूब में। आप 1K यहाँ पे UKPSC तक 1K सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी लाइए, मैं लाइव आ जाऊँगा आपके लिए। ठीक है, जो 1 घंटा हम रेगुलर देंगे, 1 घंटा हिंदी कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन वो कुछ इंग्लिश के कर लेंगे अगर इंग्लिश सिलेबस में आता है, और इसका तो हमारे पास चलेगा ही चलेगा। अगर आप 1K लाइक जल्दी से जल्दी करवा दें, यानी कि सब्सक्राइब करा दें 1K, ठीक है, आपके हाथ में, कब तक कराते हैं देखते हैं। शेयर करें कुछ भी करके, चाहे हमारे पास डेड सब्सक्राइबर ही रहें, कोई बात नहीं, 1K ही हो जाए, बहुत है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कराएं, एंड आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो ये वीडियो में देखिए आप, कितना बज रहा है, 11 11 या 12 बज रहा है रात का। ठीक है, 11 11:30, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं अभी वीडियो डालता हूँ। और देखिए, अभी प्रिया मैडम थी या पायल थी, मेरे को अच्छे से नाम याद तो नहीं है। ठीक है, तो उनका भी कमेंट आया था कि प्लीज़ BA बिल्डिंग मटेरियल का, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सीरीज स्टार्ट करें, दूसरा पार्ट बनाइए या थ्योरी बताइए। कई हमारे पास लड़कों के भी मैसेज आए हैं। ठीक है, अभी आए हमारे पास ठाकुर जी का मैसेज आया था, विनोद जी का आया था, कमल कुरिया का मैसेज आया था, है ना। तो देखते हैं हिंदी के लिए कोई मैडम आपके लिए, हिंदी के लिए मैडम लाएंगे। देखिए, अब देखते हैं क्या होता है, मैम अगर आती है तो सही है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या बनता है। तो मेरी भी थोड़ा तबीयत डाउन चल रही है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया मैं, सॉरी गाइस। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे UKPSC तक तो 1K पहुँच जाना चाहिए, तभी तो हम लाइव आके पढ़ेंगे, है ना। और जिससे मैं लाइव आऊँगा, अगर मेरे 1K हो जाते हैं जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर, यानी कि 10 दिन में 1K हो जाते, तो मैं क्या करूँगा, एक पेन टैबलेट ले आऊँगा, उससे बेसिकली बहुत अच्छा हम पढ़ पाएंगे, है ना। बस आपके हाथ में है, तो थैंक यू, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, नहीं करेंगे अपना घाटा करेंगे। ठीक है, तो कितनों में फेल हो गए, SSC में फेल, PGL में फेल, DMRC DFCCIL भी आने वाला है अभी, तो तैयारी करें जल्दी से। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू।